आपको डर नहीं लगता क्या सांपों से? अरे इतना नहीं लगता, ये बेचारा क्या रहेगा। सो गाइस देखिए आप, यहाँ पे हम लोग आए हैं और यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा सांप नज़र आ रहा होगा अगर आप बड़े ध्यान से देख पा रहे हैं तो। और हम लोग एक बिल्कुल जंगल में एक छोटा सा ये तालाब है यहाँ पर है, ये शायद पानी वाला सांप है और आप देखें। और यहाँ पर आने के बाद में मुझे एक बात बहुत याद आ रही है, मेरे साथ हमारी टीम के लीडर पॉप सिंह जी भी हैं और ये अभी अभी इन्होंने बताया मुझे कि यहाँ पर रात को बहुत सारे बाघ, बहुत सारे तेंदुए भी आते हैं, तो इसके बारे में मुझे बताया भैया ने अभी। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो ये हमें सांप नज़र आया, तो इनकी बात में मुझे लग रहा है कि दम है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल आरसीएम ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स आज हम लोग एक कहीं गए थे हम लोग किसी अपने काम से और एक जंगल रास्ते में आया और जैसा कि अभी आपने देखा पानी का जो लंबा सांप मैंने आपको दिखाया है, इसी जगह पर हम हैं। और जैसा कि हमारे टीम के लीडर पॉप सिंह जी ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे रात को शेर भी आते हैं, शेर से मतलब बाघ, तेंदुए यहाँ पर काफ़ी आते हैं, तो उसके बारे में जो मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। हाँ तो हम बात कर रहे थे कि अभी जैसा कि मुझे पॉप सिंह जी ने बताया कि यहाँ पर रात को बाघ, तेंदुए और वो सब काफ़ी जंगली जानवर आते हैं, तो अचानक मुझे याद आ गया, मैं पिछले साल लास्ट ईयर हम लोग थाईलैंड गए थे अपने फैमिली ट्रिप पर और वहाँ पर हम लोग एक टाइगर पार्क में गए थे। शायद आपको फ़ोटोग्राफ भी आपने पिछले हफ्ते में देखे होंगे मेरे, मैं अभी टाइगर के आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा, मैंने टाइगर के साथ बैठ के फ़ोटो खींचे और बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी किया कि वो टाइगर नकली तो नहीं है कहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अगर वो लोग भी सुन रहे हैं तो, कि वो टाइगर नकली नहीं है, वो टाइगर पार्क है, उसमें ओरिजिनल टाइगर्स ही थे। और लेकिन वो टाइगर्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है और जब आपके फ़ोटो खिंचाए, जब आप फ़ोटो खिंचवाते हैं वहाँ पर तो आप वो ट्रेनर भी साथ में रहते हैं और वो इतने ट्रेन टाइगर्स होते हैं जो अपने ट्रेनर की हर बात मानते हैं। तो जो भी हम जैसे टूरिस्ट वहाँ जाते हैं तो फिर वो हमें टूरिस्ट टाइगर के साथ बैठने देते हैं, लेकिन वो कैमरा जब फोटो खींचता है तो वो ट्रेनर नज़र नहीं आते, वो हम ही साथ बैठे होते हैं, तो ऐसा लगता है। आपने कई बार फिल्मों में भी देखा होगा, कई बार जैसे कोई कोई एक्टर, कोई हीरो होता है, वो शेर से लड़ता है, वो असली के ही टाइगर्स होते हैं अधिकतर, लेकिन वो ट्रेंड होते हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो ह्यूमन फ्रेंडली टाइगर्स होते हैं, तो वो कुछ स्पेशल टाइगर्स हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है, तो वो असली ही हैं। लेकिन वो बात नहीं कहनी मुझे, मुझे यहाँ पर जो बात कहनी है, जब हम उस टाइगर पार्क में गए, उस टाइगर को मैंने फील किया, टच किया, उसके साथ बैठ के फ़ोटो खिंचवाए, तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, अच्छी वाइब्रेशन आ रही थी, क्योंकि ये वो ट्रेन टाइगर है लेकिन टाइगर तो है। फिर उसके बाद में हमें आधे घंटे की वहाँ पर एक मूवी भी दिखाई गई और वो टाइगर की जो मूवी हमें दिखाई गई, वो टाइगर को टाइगर ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखो हाइट भी उसकी कम होती है लेकिन हाथी उससे डरता है, लेकिन वो टाइगर टाइगर क्यों बन गया? तो उन्होंने हमें कुछ जो टाइगर्स हैं, टाइगर की जो फीचर्स बताए, उनकी क्वालिटीज़ बताई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस जगह पे जो मुझे ख्याल आया। तो उन्होंने जो मुझे क्वालिटी बताई थी, वो टाइगर की जो पहली क्वालिटी वहाँ पर बताई गई थी कि उन्होंने बताया कि टाइगर 20 घंटे सोता है। अब आप ये मत समझना कि मैं आपको 20 घंटे सोने की राय दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। टाइगर 20 घंटे सोता है लेकिन भूखा नहीं रहता। इससे हमें क्या सीखने को मिला? यहाँ पर कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में भी लेसन्स ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं लर्निंग मोड में रहते हैं और कहीं ना कहीं कोई भी बात होती है उसको हम अपनी ज़िंदगी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो टाइगर 20 घंटे सोता है लेकिन फिर भी भूखा नहीं रहता, क्यों? क्योंकि वो फोकस्ड वर्क करता है। वो 20 घंटे सोएगा भी लेकिन जब वो काम करेगा तो वो इतने अच्छे तरीके से अपना काम करता है, इतना फोकस्ड होकर काम करता है कि वो कहीं ना कहीं से अपना खाने का बंदोबस्त कर लेता है। तो टाइगर की जो दूसरी क्वालिटी मैंने उस वीडियो में उन्होंने हमें बताई, वो बड़ी अच्छी बात मुझे लगी। हम लोग भी कभी जब स्टेज पे होते हैं तो इस तरीके की बातें करते रहते हैं, वो बड़ी अच्छी बात मुझे लगी उन्होंने बताया टाइगर के बारे में। आप देखना कभी भी कोई जानवर आपको दिखेगा, हिरण आपको दिखेगा, अगर आप उसको ऐसे डराओगे तो वो डर के भागने की कोशिश करेगा। कुत्ते को भी आप ऐसे डराओगे तो वो भागने की कोशिश करेगा। बंदर को भी आप डराओगे, एक बार ऐसे करेगा फिर भागेगा, लेकिन टाइगर ऐसा है, आप टाइगर को डराओ वो डरेगा नहीं, वो आपके ऊपर झपट्टा मारेगा। यानी बाकी सारे जानवरों से वो हटके क्यों है? क्योंकि वो अटैकिंग मोड में रहता है,
वो अटैकिंग मोड में रहता है, बाकी सारे जानवर डिफेंसिव मोड में रहते हैं। तो हमें इस बात से सीखना क्या है कि अगर हमें भी टाइगर जैसा बनना है, हमें भी टाइगर जैसा मशहूर होना है, हमें भी अगर कामयाब होना है, हम तो कामयाबी की बात करेंगे, हमें भी अगर कामयाब होना है तो हमें डिफेंसिव मोड में ना रहकर अटैकिंग मोड में रहना है। अगर हम 24 घंटे अपने टारगेट की तरफ हमारा अटैक रहेगा, टारगेट की तरफ हमारा फोकस रहेगा और हम अपने टारगेट की तरफ अटैकिंग मोड में खेलेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ फिर आप ये टाइगर को भी हर जगह मान सम्मान मिलता है, फिर आपको भी हर जगह मान सम्मान मिलेगा। तो पहली बात हमने सीखी कि वो फोकस्ड वर्क करता है, चाहे कम काम करता है लेकिन इतना अच्छा करता है कि उसको भूखा नहीं रहता वो कभी भी, उस उन 24 घंटे में से 4 घंटे में ही वो अपना काम बढ़िया कर लेता है। दूसरा, वो डिफेंसिव नहीं रहता, वो अटैकिंग रहता है, वो बचाव नहीं ढूंढता रहता, हर जगह बचने की कोशिश नहीं करता, वो अटैक करके खेलता है। अब ऐसा नहीं कहूँगा मैं आपको कि आप अटैक करना शुरू कर दो, अटैकिंग का मतलब होता है कि अपने टारगेट के लिए प्रयास करना, मेहनत करना। तो तीसरी बात जो मैंने उस वीडियो से सीखी, वही बात वहाँ से मैंने सीखी जो उन्होंने बताई हमें, कि टाइगर जो रहता है ना वो अपॉर्चुनिटी का वेट करता है। जब आप देखना कभी भी, अगर आपने वीडियो में देखा हो, असलियत में तो सामने पता नहीं कब आएगा आपके सामने टाइगर, अगर आप थाईलैंड जाएंगे टाइगर पार्क में, मुझे नहीं पता पूरे संसार में पूरे वर्ल्ड में और कहाँ कहाँ ऐसे टाइगर पार्क हैं, लेकिन थाईलैंड पटाया में तो है, आप टाइगर को टच कर सकते हैं, नज़दीक से देख सकते हैं, बिल्कुल साथ बैठ के फ़ोटो खिंचा सकते हैं। लेकिन असलियत में टाइगर जब अगर आप नहीं देख पाएंगे, पता नहीं कब देख पाएंगे, लेकिन अगर आप वीडियोज़ अगर कहीं देखें तो आप देखेंगे कि वो टाइगर का जब अपॉर्चुनिटी आती है, अपॉर्चुनिटी अब हमारे लिए जैसे अलग अलग मौके जीवन में आते हैं, ऐसे टाइगर के पास जो है वो उसका जो खाना है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, उसका जो शिकार, उसका जो शिकार है जब, वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसको तो उसी से ही पेट भरना है, उसे उसका काम तो उसी से ही चलना है। तो वो क्या करता है, वो अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता रहता है बहुत देर तक बैठे हुए, अब देखना बिल्कुल ऐसे देखता रहेगा वो, और जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी आएगी उसके बाद एकदम अटैकिंग एक्शन करता है, फिर वो रुकता नहीं है, फिर वो इतना तेज दौड़ता है, इतना तेज दौड़ता है कि वो कहीं ना कहीं से अपने टारगेट को पकड़ करके ले आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइगर अपॉर्चुनिटी की वेट करता है, डिफेंसिव नहीं खेल के अटैकिंग खेलता है, और कम समय में फोकस करके बहुत अच्छा काम कर लेता है। और एक क्वालिटी और जो मैंने सीखी वो ये सीखी कि कई बार आपने वीडियोस में देखा होगा, मैंने भी देखा है कि कई बार क्या होता है, टाइगर को बहुत सारे छोटे छोटे जानवर घेर लेते हैं, और बहुत सारे जानवर जब इकट्ठा झुंड में घेर लेते हैं तो वो ऐसा लगता है कि ये टाइगर को जो है वो पकड़ लेंगे सारे, लेकिन वो सरेंडर नहीं करता, वो एंड तक फाइट करता रहता है। और आप देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं से उनको पछाड़ के, या तो उनमें से किसी को पकड़ के ले जाता है, या ना अपने टारगेट को पूरा करके चला जाता है, नहीं तो एक अलग से हिम्मत जुटाकर वापस जाता है और फिर अपॉर्चुनिटी के इंतजार करता है और फिर वापस आता है। तो हमने बहुत सारी बातें वहाँ से सीखी, और इस जंगल में मैं आया और आकर के मेरे अंदर का टाइगर जाग गया, और मुझे लगा कि जो टाइगर से मैं सीख करके आया था वो मैं आपके साथ शेयर करो, और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर का भी टाइगर जागे, आप भी फोकस्ड वर्क करें, आप भी सरेंडर ना करें, आप भी अटैकिंग खेलें, और आप भी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते रहें, और जब अपॉर्चुनिटी आए तो इतनी तेज़ी से एक्शन करें, इतनी तेज़ी से मेहनत करें, इतनी तेज़ी से काम करें कि आपका बिजनेस भी, आपकी लाइफ भी शानदार बन जाए। थैंक यू, जय हिंद। तो गाइस, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि ये बात आपके काम की है, आपकी टीम के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो में आए हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर लिखें। इसके अलावा भी टाइगर की कोई और क्वालिटी जो मैंने नहीं बताई है और आपको पता है तो आप ज़रूर बताएँ, और हमें भी आपसे सीखने को मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।